एंटरप्रेन्योरशिप जाना, उनके लिए जो लोग चाहिए होते हैं वो कोई छोटे दिल के लोग नहीं चाहिए होते, नौकरी वाले छोटे दिल के लोग होते हैं। ये नौकरियाँ शुक्रिया नहीं करनी हमने, ठीक है, क्योंकि वर्कर ने क्या है कि यार जॉब्स वगैरह आपने करनी है, जॉब्स ही करनी है आपने, पार्टनर बनना है बेसिकली इंशाल्लाह अगर आप हमें ज्वाइन करते हैं तो। पहली चीज़ तो ये होगी। दूसरी चीज़ ये होगी कि एंटरप्रेन्योरशिप किस तरह से जो लोगों में फैल सकती है, और आप बच्चे जो हैं आपको पता है कि पाकिस्तान की जो जनरेशन है 65% जनरेशन है जो 28 साल से कम उम्र की है, और 28 साल से कम उम्र के लोगों को पता है क्या टेंशन होती है जो आप बच्चों को होने वाली है कि जी हमारी ग्रेजुएशन की डिग्री आने वाली है और उसके बाद हमने करना क्या और क्या करना है। और मुझे नहीं पता आप बच्चों का ख्वाब क्या है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर तो आपने गुलाम बनना है ना तो ये डर अपने दिल में संभाल के रखें। ये जो डर है ना कि आगे ना पढ़ने का डर, ये जो डर है ना कि हमने कुछ भी नहीं कर सकना, ये डर आपको कहीं नहीं निकलने देगा। अगर आपने आगे बढ़ना है तो इट मीन्स कि आप ब्रेव लोग। तो ब्रेव लोग क्या होते हैं, ब्रेव लोग अपने डिसीजन मेकिंग खुद करते हैं। ठीक हो गया। बेसिकली यहाँ से स्टार्ट करने का मकसद यही है कि सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि फेथ और यकीन ऐसा बनाया जाए, इतना स्ट्रांग किया जाए आप लोगों का कि एटलीस्ट आप जब कहीं मार्केट में जाए तो आपको ये पता हो कि यार बात करने से कुछ भी नहीं होता, बात करने से कोई बंदा नहीं खाता। मैं बड़ी रिजर्व पर्सन के साथ आज मैं टीवी बैठा हूँ, दो चार बातें कर देता हूँ, वो इस वजह से कर देता हूँ कि एटलीस्ट मुझे ये पता है कि यार कोई ना कोई दो चार बातें सुन के कोई ना कोई अमल तो करेगा ना, और अमल करके माइंड उसकी जिंदगी चेंज हो जाए। बच्चों आपको यहाँ पे बुलाने का मकसद ये नहीं है कि आपको जो है वो बिल्कुल ही जो है आपको एक ओरा क्रिएट कर दिया कि ये आपकी लिमिटेड लाइफ है, आपने डिग्री करने के बाद इस तरह से आपने आगे चलना है। आपको यहाँ पर बुलाने का मकसद और आपको यहाँ बिठाने का मकसद ये है कि आप जिंदगी में स्ट्रगल कैसे करनी है, ठीक है। अब स्ट्रगल कैसे करनी है ये मैं आपको थोड़े से टिप्स बताऊंगा, वो उसको आपने मद्देनजर रख के इस तरह से अमल करना है कि आप लोगों ने इंशाल्लाह कल को अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशंस बना